बहुत सारी लाइटें देखी भाई, ऑटोमेटिक लाइट दिखाऊंगा सेंसर वाली। गुरजीत भाई इसके फीचर दिखाओ भाई। ये अंधेरा होते ही अगर हमने स्विच ऑन कर रखा है तो अपने आप जो है ऑपरेट हो, जैसा कि जर्मन की कारों में आती है जो टेक्नोलॉजी जी। तो भाइयों अगली जो चीज़ दिखा रहे हैं, भाई का कहना है कि कॉम्पैक्ट साइज और जो है हैवी लाइट। तो कोई भी जो 100, 125, 150, 200 वाट तक हैलोजन ट्यूबें आती हैं भाई, डबल लाइट भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी भाई। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों। जैसे कि आपसे कई भाइयों ने कमेंट करा कि भाई एलईडी के ऊपर वीडियो बनाओ, तो भाइयों सारी लाइटें दिखाऊंगा। तो भाइयों आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं आपको पूरा दिखाऊंगा भाइयों। 10 रुपये से स्टार्ट है इनकी जो कीमत, स्टार्टिंग कीमत है एक लाइट की 10 रुपये से स्टार्ट है, और भाइयों 2500 रुपये तक इन लाइटों की जो है मैक्सिमम कीमत है, जितनी भी यहाँ पे लाइटें पड़ी हैं। तो भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा लाइटों के फीचर देखेंगे, तो फीचर जो हमें दिखा में गुरजीत भाई, कैसे मंगा सकते हो, कैसे ले सकते हो, वो भी पूरी बात मैं वीडियो में करने वाला हूँ। तो भाई आज का जो पूरा वीडियो है एलईडी लाइटों का, एक भाई ने पूरा बाजार सा सजा दिया है जी। तो भाइयों एलईडी लाइटों की पहले बात बता दूं आपको खासियत की, भाइयों सबसे पहली बड़ी जो खासियत है, इनका करंट बहुत ही ज़्यादा कम लेती हैं ये जो अपनी हैलोजन बल्ब होती हैं उनके मुकाबले। अगर आप इसको ट्रैक्टर मोटरसाइकिल या किसी व्हीकल पे लगाते हैं और आपने इसको जला के छोड़ दिया, तो आपकी बैटरी के ऊपर इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भाइयों जो अपना आम नॉर्मल हैलोजन बल्ब होता है अपने ट्रैक्टर की लाइट में भाइयों, 55-60 वाट का, 35-35 वाट का या 90-100 की ट्यूब होती है। तो भाइयों अगर इसके लोड की बात करें तो मात्र भाइयों 23-25 ऐसे वाटेज है इसकी, यानी कि एक लाइट के खर्चे में 4 जल सकती हैं ये। और भाइयों अगर लाइट के चारने की बात करूं भाई, जो ये वाली बार लाइट है भाइयों, इसके सामने सभी हैलोजन वाली लाइट जो है वो बिल्कुल उनका चारना फेल है जी, अगर धुंध ना हो तो। भाइयों धुंध में जो है जो नॉर्मल हैलोजन लाइट होती हैं वो ही सही काम करती हैं। अब भाइयों दूसरी इसकी खासियत की बात कर लें भाइयों, इनकी लाइफ जो है काफ़ी लंबी होती है। अपने ट्रैक्टर पे 2016 से लगी हुई है, अभी तक मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। अब भाइयों बात कर लेते हैं इनकी दो खामियों की। भाइयों खामी ये है, अगर ये ख़राब हो जाएं, ये कोई भी लाइट रिपेयरेबल नहीं है, ख़राब है तो मतलब ख़राब है। तो भाई अब गुरजीत भाई से कहूँगा कि भाई आके हमें सारी लाइटों के जो है फीचर दिखाओ। तो गुरजीत भाई इसका नाम बताओ पहले तो, जो आपने पहले बोला था भाई, इसके कई नाम है, कोई टिक्के लाइट कह देता है, कोई पतासा लाइट कह देता है। हाँ भाई बड़ा मजे की लाइट है भाई, वो पतासा लाइट, और लाइट भी बहुत बढ़िया है। इसको डेकोरेशन के लिए मरगाड़ों के अंदर लगा सकते हैं भाइयों। इसकी जो एक लाइट की कीमत है मात्र 10 रुपये कीमत है भाई, बहुत सारे जो किरायेवाड़े वाले भाई हैं पीछे भी लगाते हैं इनको ट्रॉले वगैरह के, तो इसको कहीं भी जो है आराम से चिपका सकते हैं जी। इसे बोलते हैं भाइयों पतासा लाइट, और इस एक लाइट की कीमत मात्र 10 रुपये है। तो भाई वीडियो में बने रहना, एक से एक जुगाड़ दिखाऊंगा जो एलईडी लाइट है भाइयों। कोई वीडियो खास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फीचर भी दिखाऊंगा इसमें मैं आपको सभी लाइटों के। तो भाइयों ये वाली जो एलईडी लाइट है कुछ इस तरीके की शेप है इसकी, ये 5-in-1 है। गुरजीत भाई इसके पांचों ही फीचर दिखाओ। ये तो हो गया जी बिल्कुल वाइट एलईडी, ये होगी जी ये पीली भाइयों। ये जो है आपकी धुंध वगैरह में भी बहुत बढ़िया काम करेगी। मैं पहले वीडियो में बोल गया था कि भाई वाइट एलईडी नहीं काम करती धुंध में, लेकिन जो अब ये पीला कलर सामने देखो पूरा बढ़िया आ रहा है तो धुंध में। और तीसरा फीचर दिखाओ जी, तीसरा आ जाएगा भाइयों, ये ब्लिंक करेगी ऐसे वाइट में। अब चौथा फीचर दिखाओ जी, चौथा फीचर है भाइयों इसका जो पीले कलर में ब्लिंक करेगी ये। अब पाँचवा फीचर दिखाओ। तो भैया जो पांचवा फीचर है वाइट और जो है येलो, यानी सफ़ेद और पीली ब्लिंक करेगी भाई, बहुत सुंदर लग रही है लाइट। तो भाइयों कुछ लाइटों की मैं कीमत बताऊंगा भाइयों, गुरजीत भाई के साथ आके कोई भी बहस ना करा करो कि भाई आपने वीडियो में तो ये रेट बता रखा है, इसीलिए गुरजीत जो है वीडियो में रेट बताने के लिए मना करता है। भाइयों रेट जो है वो घटते बढ़ते रहते हैं। 750 रुपये का भाइयों फ़िलहाल ये जोड़ा है, और जनवरी में 2022 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 750 रुपये का जोड़ा है जी। और भाई कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, क्योंकि जो है इसी लाइट में भाइयों 300-400 रुपये का भी जोड़ा आता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत हल्की होती है। गुरजीत भाई क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कंपैरिजन जो है, तो भाइयों क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते भाई। इनका कहना है कि भाई जो लाइटें होती हैं आदमी सिर्फ डिज़ाइन देखता है, लेकिन भाइयों ये हैवी फील हो रही है, देखने में ही पता लग रहा है कि हाँ कुछ चीज़ है भाई। 300-400 रुपये की भी आती है, लेकिन वो फिर ऐसी उसकी लाइफ भी होती है। तो भाइयों अगली जो चीज़ दिखा रहे हैं, भाई का कहना है कि कॉम्पैक्ट साइज और जो है हैवी लाइट। भाइयों इस लाइट की एक और खासियत है, ये 20 वाट की मोटर लाइट है,
तो भाइयों 12 या 24 वोल्ट इसको कोई फर्क नहीं पड़ता वोल्टेज, 24 वोल्ट तक इसको हम लोग जो है चला सकते हैं। गुरजीत भाई चला के दिखाओ इसको, कॉम्पैक्ट साइज हैवी लाइट, जिनको साइज कम रखिए, देखो जी पूरा जो इसकी लाइट है भाइयों बैटरी की तरह फोकस में है, तो भाइयों बहुत दूर तक रोशनी जाएगी, ये कॉम्पैक्ट साइज हैवी लाइट है। तो भाइयों लगभग जो है 450 रुपये की रेंज में ये जोड़ा आ जाता है, जैसा कुछ रेट हो, कभी 150 रुपये कम या ज़्यादा, लेकिन जो फ़िलहाल इसका रेट है 20 वॉट का। और भाइयों सभी लाइटें जो है बिल्कुल है, ये छोटी लाइट है भाइयों, मुझे भी इतना यकीन नहीं था, ये दो लाइट आज मैं लेके भी जाऊँगा भाई से और अपने ट्रैक्टर पर लगाएंगे। तो भैया कॉम्पैक्ट साइज इसे बाइक वगैरह पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो बड़ी अच्छी रोशनी है, फोकस में रोशनी है जी इसकी। तो भाइयों सेम लाइट है, ये भी कॉम्पैक्ट साइज हैवी लाइट है जी, और जो है ये 3-in-1 है जी। गुरजीत भाई इसके तीनों फीचर दिखाओ भाइयों, ये तो हो गया इसका फोकस में वाइट, और ये हो गया जी हल्का सा जो इसमें पीलापन आ गया, जैसे कि अपने इतनी पीलापन है जी जैसे हेलोजन लाइट का होता है, और ये आ गया तीसरा बिल्कुल येलो, बिल्कुल पीला कलर। तो भाइयों ये भी एक बड़ी बेस्ट चीज़ है धुंध के लिए। तो भाइयों मात्र जो है 50 रुपये ज़्यादा दे के आप ये वाली लाइट भी दे सकते हो जोड़े की। तो भाइयों ये लगभग 450 रुपये का है, बाकी गुरजीत भाई जो है अपने बहुत ही नाइस बंदे हैं, रेट रूट में ज़्यादा नहीं वो करते। तो भाई अब के जो है मिनी लाइट दिखाऊंगा 2-in-1, गुरजीत इसके दोनों फीचर दिखा भाई। ये देखो जी ये तो आ गई इसकी फ्लैशर लाइट, और ये आ गई इसकी सिंपल लाइट। तो भाई ये 2-in-1 है, दो फीचर हैं, तो भाई भाई के पास वैरायटी की कोई भी कमी नहीं है, जैसी ज़रूरत हो वैसी ले लो। और इसमें जो है 6 लेंस हैं भाई, इतनी की इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई बहुत कम है, अगर कहीं पे लगानी हो तो दिखेगी भी नहीं लाइट। तो भाई ये वाले सेम इसी के फीचर हैं, इसमें ये जो है थोड़ी बड़ी है और साइज में बड़ी लाइट। तो भाई डेकोरेशन मिनी लाइट दिखाऊंगा मैं आपको, भाई बंद कर दे कैमरे में आ नहीं रही। तो भाई ये वाला जो है इसका एक फीचर, पहला फीचर चला इसका, ये हो गया जी इसका जो है डेकोरेशन के लिए। अब जो है मेन फंक्शन जला भाई, तो ये हो गया जी लाइटनिंग, दोनों ही काम करते हैं, दोनों को इकट्ठा भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो जी मतलब ये जो है कर्ब में भी जलेगी, और जो है मेन दो लेंस इसके, और इसकी लाइट जो है भाई बैटरी की तरह बिल्कुल फोकस में है। तो भाई बहुत सारी लाइटें देखी भाई, ऑटोमेटिक लाइट दिखाऊंगा सेंसर वाली। गुरजीत भाई इसके फीचर दिखाओ भाई, ये अंधेरा होते ही अगर हमने स्विच ऑन कर रखा है तो अपने आप जो है ऑपरेट हो, जैसा कि जर्मन की कारों में आती है जो टेक्नोलॉजी जी। इसके यहाँ पे सेंसर है जी, अगर इस पे अंधेरा कर देंगे हम तो ये अपने आप जो है जल जाएगी। तो भाइयों इसके अंदर जो सेंसर लगा हुआ है नाइट मोड सेंसर है जी इसका नाम। तो भाइयों जैसे ही इस पे अंधेरा कर देंगे तो ये लाइट देखो भाई, कोई तार वगैरह नहीं लगाएंगे। और ये दूसरा फीचर इसका ये है कि अगर इसको डायरेक्टली जलाना हो, ये देखो बिल्कुल अंधेरा होते ही ये खुद सेंस कर लेगी और जो है ऑन हो जाएगी। वाला जो फीचर है जी इसका डायरेक्ट वाला है, अगर आपको दिन में भी यूज करनी है कोई ऐसी जरूरत पड़गी। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया चीज लगी जी, ये टेक्नोलॉजी जर्मन की गाड़ियों में आती थी। देखो भाई चाइना का बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि जर्मन की टेक्नोलॉजी किसी भी व्हीकल पे यूज कर सकते हैं जो नाइट मोड सेंसर के साथ आती है। तो गुरजीत भाई ये कितने इंची बार लाइट है? 18 इंची है। इसका क्या रेट है जी? एक होगी 1650। ये 1650 रुपये की है। ये जो बिल्कुल सिंपल सादी लाइट है ये 800 रुपये की है। गुरजीत भाई इसके क्या क्या फीचर है? जो PCR में है और बार में है। हाँ हूँ दस कितने दिया? PCR और बार। हाँ हाँ 1550। ठीक है। और इसका क्या फीचर है जी? ये बहुत बड़ा है, एक हैवी इसी पीछे तक भी भाई उठाने में भी वजन। ये ओरिजिनल है जी। ठीक है। तो गुरजीत भाई इसे हैवी लाइट को एक बार और चला के दिखा दो भाइयों को। भाई अगर इसके चांदने की मैं बात करूं तो सामने से एक बार दिखा देता हूं। तो भाइयों कैमरे में इतनी महसूस नहीं होगी, देखो दुकान में तो कोई भी जो 100, 125, 150, 200 वाट तक हैलोजन ट्यूबें आती हैं भाई, डबल लाइट भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी भाई, बिना धुंध के। अगर धुंध नहीं है तो भाई एक गजब की चीज़ है। और भाई इसे जो भी भाई लगाए, मेरा आपसे सुझाव भी है भाई, नीचे से नीचे करके लगाए, क्योंकि नहीं तो ये सामने वाले को भी कुछ भी नज़र नहीं आने देगी भाई, इसका इतना चानना है। और भाई LED है लेकिन इसकी गर्मी महसूस हो रही थी। गुरजीत भाई वाट कितनी है इसकी? तो भाई वो वाट की अगर बात करें तो 120 वाट की है भाई, ये वाकई में पूरा एन 120 वाट वाला मज़ा आ रहा है लाइट में।
तो भाइयों ये जो लाइट है लगभग 2500 रुपए के लगभग आपको मिल जाती है भाई। कोशिश करेंगे कि इसको जो बम्पर के नीचे अपने छोटी लगी हुई है भाई यही वाली लगाऊंगा आपके, लेकिन भाई चीज़ है। तो भाई ये प्रोजेक्टर लैंप है, इसमें तीन फीचर आते हैं, तो ये वाला गुरजीत दिखाएगा हमें। गुरजीत ये हो गया अपना जो है पार्किंग में भाई इसका तार लग जाएगा, ठीक है जी। और ये हो गया इसका जो है फोकस, देखो जी कितना बढ़िया है, वाकई में प्रोजेक्टर वाला फोकस है। और ये हो गया भाई इसका ब्लिंकिंग वाला सिस्टम, तो किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो इसे। तो भाई वो लाइट ही लाइट है। इसका पेयर कितने का है गुरजीत? 430 रुपए का जोड़ा है भाई। और रेट के मामले में जो है एक है भाई, जोड़ा नहीं, 430 रुपए की एक है। तो भाई वो लगभग मैंने जो मेनली ट्रैक्टर पे या बाइक पे चलती हैं लगभग 20-21 तरह की जो भाई के पास लाइटें हैं। तो भाई वो जो पंजाब वाला सारा सामान है अब यूपी में अपने मुजफ्फरनगर में अवेलेबल है जी। और ये जो भाई की दुकान पड़ती है भाई, वो ट्रैक्टर का कोई भी मॉडिफिकेशन का, स्टील का कुछ भी सामान लेना हो तो आपको दुकान की लोकेशन बता दूँ भाई। वो हैलोजन लाइटें किसी को चाहिए, हैलोजन भी मिल जाएंगी जी, ये देखो। तो भाई वो मुजफ्फरनगर से लगभग 15-16 किलोमीटर ये जगह पड़ती है जी भोपा, शुक्करताल रोड पे, शुक्करताल धाम है जी, काफ़ी फेमस जगह है। तो भाई की यहाँ पे दुकान है जी भोपा बिजली घर के सामने। भाई वो वेट चाहे फाइबर के ले लो, चाहे आप जो है लोहे के ले लो, ये जो है 50-50 किलो की प्लेट है, लगभग 40-50 किलो की होगी। और ये अगर आपको सजावट के लिए लगाने हैं तो ये फाइबर के वेट भी उपलब्ध है भाई के पास। भाई हर तरह के फाइबर छतरियां, जॉन डियर, महिंद्रा, स्वराज या वाइट में न्यू हॉलैंड वाली, हर तरीके की फाइबर छतरियां हैं, कपड़े वाली छतरी भाई के पास रेडी मिलती हैं। तो भाई वो भोपा बिजली घर के सामने जो भाई की दुकान है मनमीत एग्रो के नाम से। अच्छा तो गुरजीत भाई, जैसे कोई चैनल पे से जय किसान टेक्निकल अपना चैनल है उस पर वीडियो देख के आता है तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर दोगे? बिल्कुल। कितने परसेंट डिस्काउंट करोगे जी? तभी वाली बात, जो भी आइटम होगी। हाँ जी, कुछ आइटम तो है जो मान लो आप कुछ रेट टू रेट है, हाँ, इन चीजों पे कुछ मार्जिन नहीं है, हाँ, लेकिन जो चीजें बड़ी आइटम है उस पर 15% तो आपको जो है। ठीक है, मेरे जो सब्सक्राइबर है भाई, अगर कोई वीडियो देख के भाई के पास पहुंचते हैं, अपना भाई है गुरजीत भाई, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, और भाई वो कुछ भाई भाई का नंबर मांगेंगे, तो भाई नंबर के बारे में बता दूं, भाई बहुत ही बिजी बंदा है, दो दुकानें ऑपरेट करता है। और मज़े की बात ये है कि ये अकेला ही काम करता है भाई, साई के अगर किसी की आती है कोई भी डेक वगैरह लेना है तो वो भी रेडी कर देता है, तो नंबर नहीं देता भाई क्योंकि फ़ोन पे बात करने का इतना टाइम नहीं है। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी भाइयों। तो भाइयों एलईडी के दबा और किसी मॉडिफिकेशन के सामान की वीडियो देखनी हो भाई ट्रैक्टर संबंधित, तो भाई वो भी भाई कमेंट में बता दियो, वो भी वीडियो आपके लिए बना देंगे। कोई भी सामान देखना, देखो भाई छोटी बड़ी बहुत तरह की लाइट है। अगर मैं पूरी लाइटों या हर चीज़ की बात करने लगूं तो भाइयों घंटों की वीडियो बन जाएगी, पर सामान नहीं पूरा होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद जी।